हर साल 17 मई को पूरी दुनिया में वर्ल्ड टेलीकॉम डे यानी विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1969 से हुई और आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना हुई और साल 1865 में पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ समझौते पर हस्ताक्षर होने की स्मृति में इसे मनाया जाता है। आज दुनिया तेजी से बदलाव के दौर से गुजर रही है। हर हाथ में मोबाइल है, आसानी से दुनिया के किसी भी कोने में रहने वालों से संपर्क हो जाता है। ये टेलीकॉम का ही कमाल है कि आज लोग नेट क्रांति के दौर से गुजर रहे हैं। सिर्फ शहरी नहीं बल्कि गांव देहात में भी लोग आसानी से इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज ही के दिन 17 मई को पूरी दुनिया में वर्ल्ड टेलीकॉम डे मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1969 से हुई। साल 1865 में पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ समझौते पर हस्ताक्षर होने की याद में विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2006 में एक प्रस्ताव को अपनाया, जिसमें कहा गया कि विश्व दूरसंचार दिवस और विश्व सूचना समाज दिवस 17 मई को हर साल एक साथ मनाया जाएगा। 17 मई के दिन को मनाने का मकसद दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सुलभ कराना है। इस दिन सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के फायदों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा की जाती है। दूरसंचार क्रांति की बदौलत आज जिस आसानी से हम अपने मोबाइल फोन के जरिए कई ऐसे काम कर लेते हैं जिसके लिए कुछ साल पहले काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। दूरसंचार क्रांति के बदौलत ही भारत की गिनती आज दुनिया के कुछ ऐसे देशों में होती है जहां आर्थिक समृद्धि में दूरसंचार क्रांति का बड़ा योगदान रहा है। आज हम दूरसंचार के मामले में काफी आगे निकल चुके हैं। 3G और 4G टेक्नोलॉजी पर सवार भारत तेज गति से आगे बढ़ता जा रहा है। इस क्रांति के कारण न केवल दूसरे क्षेत्रों में फर्क पड़ रहा है बल्कि ग्रामीण भारत भी टेक्नोलॉजी से लवरेज होता जा रहा है। इंटरनेट ने लोगों के जीवन को काफी हद तक आसान बना दिया है। टीम न्यूज़ नेशन।